आखिर कैसे हम एक फेसबुक आईडी या फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक आईडी की ज़रूरत हमें बहुत सारी जगहों पर पड़ती है, जैसे गेम्स, फैंसी ऐप और भी बहुत सारी वेबसाइट वगैरह में हमें फेसबुक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और फेसबुक एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया ऐप है जिसके मिलियंस ऑफ यूजर हैं, तो ऐसे में आपके पास एक फेसबुक आईडी का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप किस तरीके से एक फेसबुक आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, जब आप फेसबुक को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको वो आईडीज देखने को मिलेंगी जो आपने फेसबुक पर पहले से क्रिएट की हुई हैं। उसके बाद आपको लॉगिन अनदर अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी आपने अगर पहले से कोई फेसबुक पर अकाउंट बनाया हुआ है, उसका आईडी पासवर्ड आपको याद है, तो आप उसे यहां से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हमें एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो हमें नीचे की तरफ एक क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना। तो इस पेज पर आपको ज्वाइन फेसबुक लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको सिंपल सा यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपनी फेसबुक आईडी का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप उसे यहाँ से रख सकते हैं, जैसे मैं रोबिन कुमार या रोबिन कुछ भी रख सकता हूँ। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं तो आप उसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी जेंडर है आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको नीचे की तरफ ईमेल आईडी वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप अपनी फेसबुक आईडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको उसी पासवर्ड को सिलेक्ट करना है जिसे आप हमेशा याद रखें। इसके बाद आपको फिर से ईमेल आईडी सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप यहां से ईमेल आईडी सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपको एक स्किप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहां से स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको साइनअप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपल सा इस साइनअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद थोड़ा सा लोडिंग का प्रोसेस आ जाएगा, आपको यहाँ से 5 से 10 सेकेंड के लिए वेट करना है। क्रिएटिंग योर अकाउंट वाला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने एक थम्स अप आ जाएगा। इसके बाद आपका फिर से साइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको फिर से 5 से 10 सेकंड के लिए वेट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप अपनी फेसबुक आईडी के लिए एक प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको ऊपर की तरफ एक स्किप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको ऐड फ्रेंड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप अगर यहाँ से अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी स्किप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्किप करेंगे तो हमारा एक फेसबुक अकाउंट रेडी हो चुका है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो हमारा फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी एक फेसबुक आईडी क्रिएट हो चुकी है। अगर आपने पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह को सिलेक्ट नहीं किया था तो आप बाद में भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।